वेलकम टू श्रीमतीज किचन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है चना चाट मसाला, जो बनाने में तो इजी है ही है और खाने में भी बहुत हेल्दी है। और चलिए शुरू करते हैं चना चाट मसाला। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल भर के चना ले लिया था। पहले इसको मैंने भिगोया रात को, फिर उबाल लिया था। तो अभी मैंने इसको अच्छी तरह से उबाल के रख रखा है। मैंने एक पैन चढ़ा लिया है, अभी मैं इसमें ऑयल डालूंगी। तो ऑयल को गर्म होने देते हैं। इसमें पिंच भर मैं हींग डाल रही हूँ, आधी चम्मच जीरा डाल रही हूँ। तो अब इसको पकने देंगे हम। जीरा मेरा पक गया है अच्छी तरह से, तो अभी हम इसमें एक चम्मच धनिया डाल रहे हैं पिसा हुआ, नमक आपके टेस्ट के अनुसार डालना है, क्योंकि इसमें अभी कम डालेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डालेगा। आधी चम्मच मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। और मैंने आधा ही चम्मच भुना हुआ जीरा पिसा हुआ डाल रही हूँ। और आधा चम्मच मैंने ये चाट मसाला लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें जैसे नमक या थोड़ी सी मिर्च वगैरह है वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो अभी ये मेरे चने देखिए भुन गए हैं थोड़े मसाले में। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे 5-7 मिनट तक। तो मैंने ये चने में डालने के लिए प्याज काट लिया था, एक उबला हुआ आलू है और टमाटर है और हरी मिर्च है और धनिया और नींबू का रस। तो चलिए हम इसमें मिलाते हैं। फिर जब ये सब कुछ चीज़ अच्छी तरह से भून जाए तो हम इसमें ऊपर से डालेंगे अपना बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसका टेस्ट इससे दुगना बढ़ जाता है। चना चाट मसाला बनके तैयार हो गया है और मैंने इसको सर्व करने के लिए बाउल में कर लिया है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए।